Good morning, children. Let us start with the class. We were covering lesson 8 of history, and today we will start with the heading philosophy and bhakti. कल हम मनिक वसगर के बारे में पढ़ रहे थे और उन्होंने जो लिखा है उनकी जो कॉम्पोजिशन है उसके बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. Now see what is philosophy and bhakti. Philosophy का मतलब होता है दर्शन शास्त्र. दर्शन शास्त्र और भक्ति का क्या संबंध है? देखो, Shankara, one of the most influential philosophers of India, was born in Kerala. So who was Shankara? Okay, Shankara जो है एक philosopher थे, ठीक है ना, दर्शन शास्त्र थे, दार्शनिक थे हम कह सकते हैं. Okay, he was born in Kerala. उनका जन्म जो है केरल में होता है. Kerala is a coastal state of our country. Okay, in the 8th century, he was an advocate of Advaita. Or the doctrine of oneness of the individual soul and the supreme God, which is the ultimate reality. Okay, तो 8वीं सदी में उनका जन्म होता है. Okay, in 8th century, and he was an advocate of Advaita. ठीक है ना? तो वो Advaita के जो हैं आप प्रचारक हैं. और ये Advaita है क्या? ठीक है? Advaita का मतलब है, see, what does it mean? The doctrine, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, doctrine of, okay, the oneness of individual soul. जैसे कि मैं आपको शुरू से बताते आ रही हूँ, doctrine of oneness. ये जो आत्मा का जो है परमात्मा में मिलान जो है, okay, individual soul with supreme God, जो कि अटल सत्य है, ठीक है ना? ये जो ईश्वर है, ओके, निराकार ब्रह्म कोई कह रहे हैं, कोई ओके उनको आकार दे रहे हैं, ओके, वो क्या है? इज द अल्टीमेट रियलिटी. ठीक है. और इस सत्य से हम परे नहीं हो सकते हैं कि हम जो हैं ब्रह्मा के अंश हैं. ओके, और एक दिन हमें वापस ब्रह्मा में विलीन हो जाना है. धन्यवाद. ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे, सी ही टॉट दैट ब्रह्मा द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी वाज फॉर्मलेस, निराकार हैं, ठीक है ना, ब्रह्मा जो है वो निराकार हैं, एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स ही कंसीडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन और माया. तो हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है, ठीक है ना, हमारे इर्द गिर्द की जो दुनिया है वो मोह माया से भरी हुई है. एंड प्रीस्ट रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड. और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, शंकरा कह रहे हैं कि हमें इस सांसारिक जीवन का त्याग करना होगा और हमें जो है ज्ञान के पथ पे अग्रसर होना होगा, ठीक है ना, ताकि हम ये जो ब्रह्मा है, निराकार ब्रह्मा है, उनको हम जान सकें और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें. ओके, सो ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन, ओके, और माया, एंड प्रीच रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अडॉप्शन ऑफ द पाथ ऑफ द नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ, ओके, ब्रह्मा एंड अटेन सेल्वेशन. सो व्हाट ही इज प्रीचिंग, ही आस्क्ड हिज फॉलोअर्स, ओके, हिज फॉलोअर्स टू, ओके, गिव अप द वर्ल्ड ऑफ इल्यूशन, वर्ल्ड ऑफ इल्यूशन, एंड फॉलो अ पाथ, ठीक है ना, एक ऐसे मार्ग को जो है, ओके, वो लेके अग्रसर हो अपने जीवन में, ओके, जो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कर सके, एंड फॉलो अ पाथ दैट लीड्स टू सेल्वेशन. ठीक है ना, सेल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष. इस सांसारिक जीवन से हमें मोह माया से जो है हम ऊपर हट जाते हैं. Is it visible? Leads to salvation. Yes, ma'am. हो गया? I hope everyone can see it. Yes, ma'am. Okay. Now let us proceed. Yes, ma'am. बेटा, आप लोगों के टेस्ट जो हैं अभी रोक दिए गए हैं. Okay. Now listen, children. Okay. No, we do not know the date. 14 से जो है बेटा आपका ईयरली प्री बोर्ड शुरू हो रहा है. आज 10 तारीख हो गया. आज 10 तारीख हो गया, अभी हमें कोई सूचना नहीं है. ओके, 14 से आपका प्री बोर्ड शुरू हो रहा है, क्लास 10 का, 12 का, ठीक है ना. और जो प्राइमरी में जो बच्चे हैं उनका 15 से शुरू हो रहा है. आपका कब से शुरू हो रहा है अभी हमें नहीं पता. क्या हुआ?
मैम जो प्राइमरी में बच्चे उन्हें भी स्कूल मैम जाना पड़ेगा से 9 टू 12 हो रहा है ना मैम Our children, Ramanuja, he was born in Tamil Nadu in the 11th century. He was deeply influenced by the Alvars. Now, Sambhavi, who are the Alvars? Let her say. Nobody else will say. Sambhavi, Alvars, kise kaha jata hai? Ah? Vishnu Bhakt ko Alvar kaha jata hai? Ki Shiv Bhakt ko kaha jata hai? अनुज कुमार राय हु आर द अलवर्स बेटा अनुज मैम मैं बताऊं बोलो अनन्या बोलो मैं बताऊं मैम विष्णु भक्त को हां मैम विष्णु भक्त को हाँ वो संत जो विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं ओके ठीक है ना द सेंट्स डिवोटेड टू ओके विष्णु डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु आर कॉल्ड अलवर्स ठीक है ना इनको जो है हम अलवर्स कहते हैं नाउ सी चिल्ड्रन ओके हैव अ लुक Ramanuja, he was born in Tamil Nadu in 11th century and he was deeply influenced by the Alvars. According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. ठीक है ना? तो रामानुज जो है वो भी एक भक्ति कल्ट के ही अनुशरण करने वाले हैं और इनका जन्म जो है तमिलनाडु में होता है He was born in Tamil Nadu in 11th century. Okay? In 11th century. और ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि अगर हमें ठीक है ना हमें जो है भक्ति द्वारा जो है अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मींस ऑफ अटेनिंग सल्वेशन वाज थ्रू ओके इंटेंस डिवोशन टू विष्णु विष्णु इन हिज ग्रेस हेल्प्स द डिवोटी टू अटेन द ब्लिस ऑफ यूनियन विद हिम ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ ओके विशिष्ट अद्वैत्य or qualified oneness in that okay the soul even when united with the supreme god remain distinct okay so he propounded the doctrine of vishisht advaitya ab vishisht advaitya hai kya vishisht advaitya ka matlab ye hai ki okay atma ka parmatma mein milan ho raha hai lekin milan hone ke bawajood bhi okay uske bawajood bhi jo hai atma jo hai kya hai वो परमात्मा से अपने आप को अलग रख रहे हैं ठीक है ना उनकी जो पहचान है वो अलग है ओके विशिष्ट अद्वैत्य ठीक है ना ओके द इंडिविजुअल सोल रिमेन्स डिस्टिंक्ट ठीक है तो ये जो इंडिविजुअल सोल है वो अपनी पहचान जो है वो बरकरार रख रहा है इज रिमेनिंग डिस्टिंक्ट ओके तो ये इनका मानना है रामानुज का मानना है देखो नाउ सी रामानुजस डॉक्ट्रिन ग्रेटली इंस्पायर्ड द न्यू स्ट्रैंड ऑफ भक्ति व्हिच डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली तो उत्तर भारत में जिस प्रकार की भक्ति का जो है अनुसरण लोग करने लगे थे वो रामानुज से ही प्रभावित हुए थे ओके आपने पीपीटी में देखा होगा रामानुज कौन थे नामदेव कौन थे इन सब का जो है चित्र मैंने दिखाया था नाउ सी वसवनज ओके वीरशैविज्म What is Veerashaivism and who is Vasavana? Let us see. We noted earlier the connection between Tamil Bhakti movement and temple worship. This in turn led to a reaction that is best represented in the Veerashaiva movement initiated by Vasavana and his companions like Allama Prabhu and Akhama Devi. Okay? Ye aap underline kar sakte hain. ये आपके fill in the blanks का एक हिस्सा है इट इज आंसर टू वन ऑफ द क्वेश्चंस दिस मूवमेंट बिगेन इन कर्नाटका इन मिड 12th सेंचुरी ओके द वीरशैवर्स आर्ग्यूड स्ट्रांगली फॉर द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड अगेंस्ट ब्राह्मणिकल आइडियाज अबाउट कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन दे वर आल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप
तो ये जो वसवना है ठीक है ना, ये किसी भी प्रकार के जो है मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके ये और इनके अनुसरण करने वाले जो लोग हैं, इनके साथ और भी दो लोग थे, अलमा प्रभु थे और अखमा देवी थे। इन दोनों का मानना ये है कि मूर्ति पूजन जो है ओके वो व्यर्थ है ठीक है ना, और जो महिलाओं के साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है समाज में वो भी गलत है, उसको भी नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी सी, वसवना वाज अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। हम यहाँ लिख सकते हैं वसवना ओके ही वाज अगेंस्ट द इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन ठीक है ना। एंड व्हाट, आइडल वर्शिप। तो महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ थे ये, और मूर्ति पूजन के खिलाफ थे ठीक है ना। मैम नीचे का नहीं दिख रहा है, वो नहीं दिखेगा जब तक कि मैं नहीं दिखाऊंगी ठीक है। यस मैम। डन ठीक है ना। नाउ सी इन दिस ओके, दिस इज द सेइंग ऑफ वसवना ऑन पेज नंबर 108। एंड व्हाट इज ही सेइंग, ही इज सेइंग दैट ये जो ठीक है ना अमीर लोग हैं ओके समाज में जो अमीर लोग हैं वो क्या करेंगे, वो आपके लिए जो है मंदिर बनवाएंगे ठीक है ना, लेकिन मैं ठहरा गरीब व्यक्ति, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो आप समझ लीजिए कि मेरे जो पांव हैं ये मंदिर के स्तंभ हैं ओके, और ये मेरा शरीर जो है ये ओके स्वर्ण रूपी मंदिर है, और ये जो मेरा सिर है ठीक है ना ओके, इसमें जो है आप निवास करेंगे ओके। तो ये जो है भक्त जो है अपने इष्ट को जो है प्रसन्न करने का जो है प्रयास कर रहा है, और प्रसन्न करने के लिए जो है इन सारी तर्कों को जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। एक भक्त जो है अपने भगवान के लिए इन सारे तर्कों को प्रस्तुत कर रहा है कि वो गरीब ठहरा, वो मंदिर नहीं बनवा सकता है, तो वो अपने शरीर को ही मंदिर रूपी ओके ठीक है ना इमारत बना लेता है, अपने पाँव को पिलर बना लेता है, और इसमें जो है अपने भगवान को जो है स्थान दे रहा है ठीक है ना। व्हाट इज द टेम्पल दैट वसवना इज ऑफरिंग टू गॉड। अनुज व्हाट इज द टेम्पल, बोलो। श्राइन का मतलब टेम्पल होता है, द बॉडी द श्राइन। व्हाट इज द आंसर, वसवना इज, हाँ बोलो मैम, टेम्पल्स ऑफ शिवा। ना बेटा, वो किस चीज को ऑफर कर रहे हैं, ऑफरिंग हिज बॉडी, माय बॉडी, हाँ हिज बॉडी एज टेम्पल ठीक है ना। वो अपने शरीर को जो है मंदिर रूपी जो है ओके मंदिर के रूप में जो है ईश्वर को प्रस्तुत कर रहे हैं, एज टेम्पल टू गॉड ठीक है ना ओके। देखो यहाँ पे एक लाइन है आपके, इसमें देखो द बॉडी द श्राइन, श्राइन का मतलब टेम्पल होता है ओके। माय लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्राइन, द हेड अ कुपोला ऑफ गोल्ड ठीक है ना। तो सिर जो है वो मेरा मुकुट है, स्वर्ण मुकुट है। द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, नाउ हैव अ लुक, महाराष्ट्र के जो संत थे इनमें हम जो है जिन लोगों के बारे में पढ़ेंगे वो है नामदेव हो गए, तुकाराम हो गए, चोखा मेला हो गए, इन सारे लोगों के बारे में जो है हम पढ़ेंगे, द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। नाउ सी चिल्ड्रन ओके, फ्रॉम द 13th टू 17th सेंचुरी महाराष्ट्र saw a great number of saint poets whose songs in simple Marathi continue to inspire people. Okay, the most important among them were Janeshwar, Namdev, Eknath and Tukaram, as well as women like Sakhubai and the family of Chokha Mela. Okay, ठीक है ना? तो some of the saints were ओके नामदेव, एकनाथ ओके, देन हु इज देयर, तुकाराम इज देयर, संत तुकाराम ओके, देन जानेश्वर, चोखा मेला, जानेश्वर
ओके एंड द फैमिली ऑफ चोखा मेला, ठीक है ना। चोखा मेला के बारे में जो है आप अपने क्लास सिक्स के क्लास एट के बुक में भी पढ़ेंगे जब आप मार्जिनलाइजेशन चैप्टर पढ़ेंगे। ओके एंड द चोखा मेला फैमिली, ठीक है ना। तो इनके पूरे परिवार, इनकी पत्नी भी जो है एक भक्त संत थी, ठीक है ना। चोखा मेला की पत्नी सोराबाई वो भी एक संत थी, उनके पुत्र भी एक संत थे, ठीक है ना। तो ये संतों का परिवार था, चोखा मेला का जो परिवार था। तो देखो हु बिलोंग टू द अनटचेबल महार कास्ट, ठीक है ना। तो चोखा मेला का जो परिवार था वो एक समाज के जो है अनटचेबल जाति को जो है ओके छुतिहर जाति को जो है बिलोंग करते थे ये लोग। दिस रीजनल ट्रेडिशन ऑफ भक्ति फोकस्ड ऑन द विठला अ फॉर्म ऑफ विष्णु टेंपल इन पंढारपुर एज वेल एज ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। ओके तो इंसानों के हृदय में जो है ईश्वर वास करते हैं, इस चीज को जो है ये लोग प्रमोट करते रहे थे। दिस सेंट पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, ओके द सेंट्स, ओके दिस सेंट्स रिजेक्टेड रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म क्या है बताओ, हु विल टेल मी, हाँ रिचुअलिज्म का मतलब क्या होगा। ये जो महाराष्ट्र के जो संत थे, ठीक है ना, ये किसी भी प्रकार के आडंबर में ओके किसी भी प्रकार के जो है रिचुअल्स, रिचुअल्स यानी अनुष्ठान, ओके किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान में ये लोग विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। ओके आउटवर्ड डिस्प्ले ऑफ पिटी एंड सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है ना। और बाहरी रूप से जो है आप दया जो है लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जो है आप ओके जो छोटे जात के लोग हैं उनके प्रति आप द्वेष रखते हैं, तो ये गलत है, ठीक है ना। और जो समाज में जो विभाजन हो रहा था जाति के आधार पे, ओके जन्म के आधार पे, मान लीजिए किसी ने बड़े कुल में जन्म ले लिया तो वो बड़े जात का हो गया, ठीक है, तो उसके सारे समाज में जो है उसके सभी लोग जो है उसको सम्मान देंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वहां पे, ओके एंड इट इज सीन दैट The saints of Maharashtra, they were against all these things. They were against all forms of ritualism. They were against, okay, all forms of social differences based on birth. Now see, in fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families. ठीक है ना। तो ये सांसारिक जीवन को जो है त्यागने में विश्वास नहीं रखते हैं। ये जो महाराष्ट्र के संत हैं, इनकी खासियत ये है कि ये अपने परिवार के साथ रहते हुए ओके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जो है भक्ति कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ रहते हुए जो है ये लोग भक्ति कर रहे हैं। आपको पता होगा हमारे जो ये जो हिंदू मैथोलॉजी है, ठीक है ना, या हमारे वैदिक काल से जो है हम देख रहे हैं कि ओके चार आश्रमों का जिक्र हुआ है। विच आर दीज फोर आश्रमास, एक इंसान के अलग अलग जीवन काल में जो है चार आश्रमों से जो है उसे गुजरना पड़ता है एक इंसान को। ये आश्रम कौन से हैं, टेल मी, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। जय, विच आर द फोर आश्रमास बेटा दैट अ ह्यूमन बीइंग हैज टू ओके कम अक्रॉस इन हिज एंटायर लाइफ, पूरे जीवन काल में जो है एक व्यक्ति को चार आश्रम से गुजरना होता है। ये चारों आश्रम कौन से हैं, यस अभिलाषा, नहीं दिख रही हैं, एनीबॉडी एल्स बोलो, बता हाँ। पहला आश्रम कौन सा है, ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य पहले आपको ब्रह्मचर्य उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, वानप्रस्थ, हाँ फिर वानप्रस्थ, हाँ वानप्रस्थ, हाँ गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम से जब आप निकलते हैं तो वन के तरफ मूव करते हैं, वन में जाके आप निवास करते हैं एकांत में, ठीक है ना, और वहां पे जाके लोगों को शिक्षा दीक्षा देते हैं।
आपका आखिरी आश्रम जो है वो सन्यासी का है, ओके ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ओके, इट मीन्स यू विल हैव टू ऑब्जर्व व्हाट, ओके यू विल हैव टू ऑब्जर्व द आइडियल्स ऑफ ओके बैचलरहुड, ठीक है ना। आप जो है ब्रह्मचर्य का जो है निर्वाह करेंगे, ठीक है ना। देन द सेकंड आश्रम इज ओके गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, ठीक है ना। यू विल ओके मैरी, ठीक है ना, आप शादी करेंगे, हैव चिल्ड्रन ओके एंड लिव पीसफुली, ठीक है ना ओके आप शांतिपूर्वक अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य का जो है पालन करेंगे और शांतिपूर्वक जीवन बिताएंगे। उसके बाद है वनप्रस्थ, ठीक है ना, वनप्रस्थ, वनप्रस्थ में यू ओके लीव फॉर, यू लीव योर होम, ठीक है ना, यू लीव योर फैमिली टू व्हाट, टू अटेन नॉलेज, ठीक है ना ओके टू अटेन नॉलेज। आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है आप जो है जंगल की तरफ जो है प्रस्थान करते हैं परिवार का त्याग करके। और लास्ट है ओके सन्यास, ठीक है ना ओके लाइफ ऑफ अ सन्यासी, ठीक है ना। इन दिस व्हाट यू डू, यू मेडिटेट इन अलोन, आप मेडिटेट करते हैं ओके, मेडिटेट इन अलोन टू व्हाट, टू रीच सेल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है एकांत में जाके आप तप करते हैं ओके, ताकि आपको जो है ठीक है आपको मोक्ष मिल सके ओके। आई हैव लिटिल डाउट हियर, सन्यासी जीवन तो आप जीते हैं लेकिन ये एक अलग आश्रम है ओके, दैट आई हैव टू मेंशन। नाउ सी चिल्ड्रन, These saints, we see, in fact, they even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families, earning their livelihood like any other person, while humbly serving fellow human beings in need. A new humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain. As the famous Gujarati saint Narsingh Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. ठीक है ना, तो वैष्णव किसे कहा जाता है बताओ, वैष्णव हम किसे कहते हैं? हाँ मैं बताई थी आप लोगों को, वैष्णव किसे कहा जाता है, वर्शिपर्स ऑफ विष्णु, ठीक है ना। जो विष्णु की भक्ति करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है ओके, वर्शिपर्स ऑफ विष्णु आर कॉल्ड वैष्णवाज, ठीक है ना। जो लोग विष्णु की भक्ति करते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है, और जो लोग वैष्णव होते हैं वो गले में जो है अपने कंठ में जो है तुलसी माला धारण करते हैं ओके, तुलसी के जो वृक्ष है ठीक है ना, उससे उसके जो वृक्ष से बने हुए जो बीड्स होते हैं उसकी माला धारण करते हैं, ठीक है ना। तामसिक चीजों का त्याग करते हैं, प्याज हो गया, लहसुन हो गया ओके, जो उत्तेजना उत्पन्न करे इंसान के अंदर उन सारी चीजों का जो है वो त्याग करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और एक सात्विक जीवन जीते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ठीक है ना, सात्विक भोजन करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं जो लोग वैष्णव होते हैं। तो नरसिंह मेहता के हिसाब से वैष्णव कौन है, वैष्णव वो है जो औरों के दुख को बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू नरसिंह मेहता वैष्णव्स आर दोज हु ओके who understand the pain of others and who try to share the pain of others. ऐसा हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, या हम किसी भी धर्म में देखते हैं कि दुख बांटने से घटता है, ठीक है ना ओके। दुख अगर हम किसी और के साथ बांटते हैं तो वो घटता है, और सुख जो है किसी के साथ बांटते हैं तो बढ़ता है, ठीक है। तो and there is a saying in our English literature also, okay? या फिर हम अपने जो है हिंदू माइथोलॉजी में ही कह सकते हैं, दुख में सुख में सब साथी, दुख में ना कोई, किसका है ये, किसने कहा है ये होता है समाज में, ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है ना ओके, वर्ण के आधार पे जो है समाज का विभाजन किया गया ओके, इसके
प्रति जो है सवाल जो है ये कर रहे हैं कौन से लोग, ओके, द अनटचेबल्स, द पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, द पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, जो नीचे जाति के लोग हैं, ठीक है ना, लोअर कास्ट, स्पेशली द महर कम्युनिटी, ठीक है ना, ओके, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर क्वेश्चनिंग द सोशल ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन व्हाट, सोशल ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन बर्नास, ठीक है ना, बेस्ड ऑन बर्थ, तो ऊंचे कुल में जो है जो है समाज में एक व्यवस्था थी कि कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा। मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, आप लोग बोलेंगे तो कहाँ से मेरी आवाज साफ आएगी, पीछे से साउंड आ रहा है, साहिबे आलम कुरैशी, साहिबे आलम है, कभी साहिबे आलम को म्यूट कीजिए, नफीस आलम है, नफीस आलम को इतनी तमीज नहीं है, रिमूव कर दीजिए, वीडियो ऑन करके पढ़ाई कर रहे हैं, बैकग्राउंड में उनकी मदर चेंज कर रही है, इतना तो तमीज होना चाहिए बच्चों को, कि अगर घर में कोई चेंज कर रहा है तो वीडियो ऑफ कर दें, सबको नुमाइश करनी जरूरी है, कुछ कुछ बच्चे हैं ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं, नाउ सी चिल्ड्रन, ओके, सो द पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द लोअर कास्ट दे क्वेश्चन द सोशल ऑर्डर, समाज में ये जो व्यवस्था थी धर्म के आधार पे, ओके, ठीक है ना, जन्म के आधार पे जो ये समाज में विभाजन किया गया था कि एक कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, क्यों, एक कुम्हार का बेटा शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके जो है वो क्या वो एक राजा नहीं बन सकता है, क्या वो एक क्षत्रिय नहीं बन सकता है, बन सकता है अगर उसके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, और उसके भाग्य में बनना है तो वो बन सकता है, ओके, सो यहाँ पे ऐसा नहीं था, ब्राह्मणों ने जो है समाज का विभाजन किया था और ये विभाजन जो है जन्म के आधार पे किया गया था, वर्ण के आधार पे किया गया था, जो लोग ऊंचे कुल में जन्म ले रहे थे उनको समाज में सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी और जो नीचे जाति को बिलोंग करते थे उनको समाज में, ओके, बहिष्कृत किया जाता था, उनके साथ दुराचार होता था। नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज एन अभंग, मराठी डिवोशनल पोएम हिम ऑफ संत तुकाराम, ही हु आइडेंटिफाइज विद द बैटर्ड एंड द बीटन मेक हिम एज अ सेंट, आई हैव एक्सप्लेन दिस, आई होप यू नो, नाउ सी डिस्कस द आइडियाज अबाउट सोशल ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन दिस कॉम्पोजिशंस, अब ये जो आइडिया यहाँ पे जो दिया गया है सोशल ऑर्डर का बस यही है कि ओके अगर कोई व्यक्ति लो कास्ट को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कर्म अच्छे नहीं है, उसके डीड्स अच्छे नहीं है, इफ अ पर्सन बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, ओके, इज रिमार्क्ड दैट हिज डीड्स आर नॉट गुड, इट इज नॉट जस्टिफाइड, वी हैव गॉन थ्रू द, ओके, द अभंग दैट हैज बीन रिटन बाय संत तुकाराम, नाउ लेट अस गो थ्रू द अभंग दैट हैज बीन कंपोज्ड बाय चोखामेला सन, चोखामेला के पुत्र ने जो है इसको लिखा है, ओके, so who was the son of Chokhamela, Chokhamela ke putra ka naam kya hai, dekho, okay, Karmamela, Karmamela was the son of, okay, Chokhamela, aur Chokhamela jo hai mahar samuday ko belong karte hain, Sorabai was his wife, theek hai na, Sorabai jo hai wo unki patni hai, चोखामेला की पत्नी है, ठीक है ना, अब देखो, लिसन चिल्ड्रन, यू मेड अ स्लो कास्ट, व्हाई डोंट यू फेस दैट फैक्ट ग्रेट लॉर्ड, आवर होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड वी ईट, ठीक है ना, तो यहाँ पे चोखामेला के जो पुत्र है कर्ममेला वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने हमें नीचे जाति में जो है जन्म दिया, पूरा जीवन जो है आप इस तथ्य का सामना क्यों नहीं करते हैं, ईश्वर आपने हमें छोटे जात में जन्म देके इस तथ्य का सामना क्यों नहीं करते हैं, पूरे जीवन जो है हमें, ओके, जूठन पे गुजारना पड़ता है, और होल लाइफ लेफ्ट ओवर फूड वी ईट, यू शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस, क्या आपको शर्म नहीं आती कि आपने हमें ऐसा जीवन दिया है कि हमें जूठन पे अपने आप को पालना पड़ता है, यू हैव ईटन इन आवर होम, हाउ कैन यू डिनाई इट, क्या आप हमारे घर में खाना नहीं खाए हैं, हर धर्म में हम देखते हैं चाहे ऊंचे जात के लोग हों या नीचे जात के लोग हों ईश्वर को भोग जरूर लगाते हैं, ठीक है ना, सो के उठ के पूजा करते हैं, ईश्वर को भोग लगाते हैं उसके बाद ही कुछ खाते हैं,
ओके हाउ कैन यू डिनाई इट. चोखा सन कर्म मेला आस्क व्हाई डिड यू गिव मी लाइफ. ऐसा जीवन आपने हमें क्यों दिया. ओके जो जीवन जो है बड़े जात के लोगों पे जो है हम लोग हमारा जीवन जो है आश्रित है हमें उनके खाके जो है जीना पड़ता है. ऐसा जीवन आपने हमें क्यों दिया. डिस्कस द आइडियाज अबाउट सोशल ऑर्डर एक्सप्रेस्ड इन दिस कंपोजिशंस. सो व्हाट इज द सोशल ऑर्डर बीइंग डिस्कस्ड हियर. द सोशल ऑर्डर दैट पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट आर नॉट ट्रीटेड वेल. ओके so we can see that people belonging to lower caste, ठीक है ना, नीची जाति को जो लोग belong करते हैं are not treated well. और ये हम कैसे पता कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से पता कर सकते हैं कि जो लोग छोटे जात को बिलोंग करते थे इनको समाज में जो है बहिष्कृत करके रखा जाता था, ठीक है ना, इनको जो है छुतियर बना के रखा जाता था. ये समाज में जो गांव का जो कॉमन कुआं होता था, ठीक है ना, कॉमन वेल होता था, उससे पानी नहीं पी सकते थे, गांव के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, इनको गाँव के बाहरी क्षेत्र में निवास करना पड़ता था. ओके so they were not treated well by the people belonging to higher caste. Now see children, Nathpantis, Siddhas and Yogis. Now who are these Nathpantis? Have a look. A number of religious groups that emerged during this period criticized the ritual and other aspects of conventional religion and the social order using simple logical arguments. Among them were the Nathpantis, Siddhacharas, okay, and yogis. They advocated renunciation of the world. Renunciation, बार बार ये शब्द आ रहा है. इसका मतलब क्या है? सांसारिक जीवन को त्याग देना. Renunciation का मतलब है सांसारिक जीवन को त्याग के, okay, एक ऐसे रास्ते को अपनाना जो हमें आगे चल के मोक्ष प्रदान करे, ठीक है ना. Now see, to them the path to salvation lay in meditation on the formless, okay, ultimate reality. तो ये भी जो है निराकार ब्रह्मा की उपासना करने को कहते हैं, and the realization of oneness with it. और okay, आत्मा का जो है परमात्मा के साथ अपनी एक पहचान बनाना, उसको जो है ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और वो उससे परे नहीं है, ठीक है ना. To achieve this, they advocated intense training of mind and body through practices like yogasanas, breathing exercises and meditation. These groups became particularly popular among low caste. तो नीचे जाति के जो लोग थे उनमें जो है नाथपंथी, सिद्धाज, चारज और योगी जो है वो बहुत ज्यादा विख्यात होते हैं, ठीक है ना. Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. और ये लोग जो योगी लोग होते हैं, ठीक है ना, जो कठोर तप करते हैं, ये तप करके अपने शरीर को पाषाण बना लेते हैं. इनके शरीर पे जो है ना तो कोई मौसम का प्रभाव होता है. आप देखेंगे जो सही मायने में जो योगी व्यक्ति होता है, आप रामदेव बाबा को देख सकते हैं, ठीक है ना. रामदेव बाबा जो है हमारे योग आचार्य हैं देश के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश को वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है ना, योग गुरु हैं. आप उनको देख सकते हैं कि ठंडियों में भी अगर वो योग कर रहे होते हैं तो सिंपल धोती पहने रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो अपने ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखते हैं शरीर पे, ठीक है ना. ओके okay, कभी भी आप उनको जो है इनर पहन के, स्वेटर पहन के योगा करते हुए नहीं देखेंगे. तो वो कैसे होता है? ओके इट इज थ्रू प्रैक्टिस. ओके इमेंस प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू मेक द बॉडी अकस्टम्ड टू द नेचुरल फोर्सेस. जो प्राकृतिक ओके कारण हैं, प्राकृतिक कारक हैं, उनके अनुरूप आप अपने शरीर को बनाते हैं तप द्वारा, ठीक है ना. Okay, so this is all that we have. Since we have very less time, I will start with Sufism tomorrow. Islam and Sufism, I will start with tomorrow. Children, do prepare your notebooks.